गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो का टाइटल होने वाला है नरेंद्र मोदी जी ने जामनगर में विजिट किया है और वहां पर अपना प्रोटोकॉल जो है वो तोड़ दिया है, SPG का प्रोटोकॉल। क्योंकि उन्होंने जनता को देख लिया, तो गाइज बड़ा इंटरेस्टिंग सा वीडियो है कि जनता को देखकर उन्होंने अपना प्रोटोकॉल तोड़ के उनसे मिलने चले गए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां से देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समाज नो स्वभाव रह्यो छे, तमे गुजरात ना जाहिर जीवन में क्यारे न सांभळो कि आ समाज कोई ने नड्यो होय। साथियों, एक समाज तरीके आ बहु मोटा गौरव नी बात छे। आपणी तकलीफो वेठी हशे, अपमानो सहन कर्या हशे, हकनु जतू करवू पड्यु हशे, अने तेम छताय क्यारे कोई ने नड्या नथी। एटलू ज नहीं, जारे मने हमना प्रवीण भाई कहू कि मने आया था, मैं कहू आ शू बधु, आ कांठा ना अलग ने, अमदावाद वाला अलग ने, उत्तर गुजरात अलग ने, सूरत अलग ने, आमा कई भेगू करी को एम छो? मने खुशी छे कि आजे बधा भेगा मळी ने આપણા ભવિષ્યની ચિંતા કરે। આપણે ત્યાં કહ્યું છે સંગે શક્તિ કલયુગે, કલયુગમાં સંગઠન જ એક મોટી શક્તિ છે, બાકી બધી શક્તિઓ પછી। સમાજ સંગઠિત હોય પણ એ રાજકીય કાવા દાવા માટે નહીં, કોઈને નડવા માટે નહીં, સારું કરવા માટે, અને આ સમાજે કરી બતાવશે મારી પૂરી શ્રદ્ધા છે। मारे व्यक्तिगत रूपे पण आजे समाजनो ऋण स्वीकार करवो छे, मारे समाजनो आभार मानवो छे। कदाच हूँ जे बात करू छू ए कोईए नोंध नहीं लीधी होय, ध्यान पण नहीं गयू होय। ध्यान एटला माटे नथी गयू कि आपणा एक प्रकृति मां नथी। आज समाजनो दीकरो गुजरात में लांबा में लांबो समय मुख्यमंत्री रह्यो होय, आ समाज नो दीकरो बीजी वक्त देश नो प्रधानमंत्री बनायो होय, आटलो लांबो गाळो रह्यो होय, परंतु मारा लांबा गाळाना वहीवटना जवाबदारीओ वच्चे पण मारे आजे ऋण स्वीकार करवो पड़े कि आ समाज नो एक पण व्यक्ति एक पण काम लईने मारी पासे आयो नथी। आ नानी बात नथी भाईओ, अने समाजे मने एक प्रकारे आम करीने मोटो टेको आप्यो छे, मोटी ताकात आपी छे। नहीं तो स्वाभाविक दरेक ने भाई अमारो हक छे, અને મારું તો સૌભાગ્ય રહ્યું છે કે મારું કુટુંબ પણ મારાથી જોજનો દૂર રહ્યું છે, અને એના કારણે સમાજને જેમ આપણે ક્યાંય નડ્યા નહીં એમ મારે પણ કોઈને નડવું ન પડ્યું। આમ વાત આ નાની લાગે પણ હિન્દુ समझवानी विषय छे
क्या समाज ने एवं क्या संस्कार हे कि जेने क्यारे भाई हमें मौको मिलो जे मेड़ पाड़ी दो एवो रस्तो पसंद न करो एटला माटे वा समाज ने सौ सौ सलाम करू आ समाज ने आदरपूर्वक वंदन करू साथियों डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेशनल कोर्सेज में आपनी नवी पेढ़ी जाए आनंद की बात है पण घणी वार कदाच अपना माटे शक्य न बने मारी आपने एक सलाह छे तमने लागे कि अमारू बाळक हवे आमाथी आगळ आपणे लई जई शके एम नथी तमे कोशिश करजो एना स्किल डेवलपमेंट नी अंदर एने तैयार करवानी अने क्यारे एने तमे ओछू न आकता नहीं तो घणी वार एम थाय छे कि भाई अमारो छोकरो तो ग्रेज्युएट थाय तो सारू संभव है कि दसमा बारमा पछी ग्रेज्युएट ना थई शके पण जो स्किल डेवलपमेंट हशे हुनर हशे एक वर्ष बे वर्ष नो स्किल डेवलपमेंट नो कोर्स कर्यो हशे तो एने क्यारे पाछा वळीने जोवू नहीं पड़े युग बदलाई रह्यो छे दोस्तों डिग्री वाला करता हुनर वाला नी ताकत वधवानी छे आ कौशल्य प्राप्त करिए ए सामर्थ्य प्राप्त करिए अने अपना बाळकों ने प्रोत्साहित करिए मने याद छे एक बार सिंगापुर में मारो कार्यक्रम हतो तो समय नी खेंच हती जेम आजे मने आम तेम करीने माण करीने हूँ अहीं सुधी पहोंचीने हमारा जामनगर जवुं छे भरूच अने आणंद करीने पहोंच्यो छुं हमारा अहींथी भागी जाऊं एवं एक बार हूँ सिंगापुर गयेलो मारो बहुत टाइट शेड्यूल हतो पर तेना प्रधानमंत्री नो बहुत आग्रह हतो कि नहीं नहीं मारी तमारी एक इंस्टिट्यूट जो आवुं ज पड़े एमना पोताना पार्लामेंटरी कॉन्स्टिट्युएंसी में एक एमने संस्था बनावेली हती स्वाभाविक छे मारा बहु सारा मित्र छे प्रधानमंत्री मैं जरा एडजस्ट करीने कह्युं चालो आपणे जईशुं अने हूँ त्यां गयो नानकड़ी आईटीआई एमने बनाई छे आपणे त्यां जेने आईटीआई कही एवी सिंगापुरना वडाप्रधाने पोताना विस्तारमां परंतु गया पछी मैं जोयुं के एवी भव्य अने एटली आधुनिक पछी एमणे मने कह्युं पहेला अमारा देशमां सिंगापुरमां बधा आईटीआईमां भणो छे एवी वात आवे ने तो एम बधा लोको के तो कशुं छे नहीं तो कई आवडतुं नहीं एटले अहींया भणतो हशे त्यां एडमिशन नहीं मळ्युं एटले भणतो हशे एनी कोई किंमत नहीं परंतु आ संस्था बन्या पछीनी स्थिति ए छे के एमां एडमिशन लेवा माटे बहु समृद्ध समृद्ध परिवारो लाइनमां उभा होय छे अने मारी पर लागवगनी कोशिश करता होय छे के एमना संतान ने आमां प्रवेश मळे छे मने कहे कि मैं एटली बधी एनी प्रतिष्ठा वधारी दीधी छे अने समाजमां पण एनुं महात्म्य समजाव्युं छे कि हवे मोटा पाये अमारा त्यां बाळकोने आ स्किल डेवलपमेंट ना काम में आवानुं मन थाय छे अने एना माटे तेने गौरवनी अनुभूति थाय छे आपणे त्यां मेहनत ने क्यारे ओछी नथी आकता श्रमनी प्रतिष्ठा ए प्रगतिनी औषध होय छे जो श्रमनी प्रतिष्ठा न करिए श्रम करनार ने आपणे नानो गणीए पीला भाई तो बहु मोटा आ तो ठीक छे ना श्रमनी पण एक शक्ति होय छे अने आपणा समाजनो मोटो वर्ग मेहनत मजूरी करीने खानारो वर्ग छे एना माटे गौरव करिए जराय हीनता अनुभव न करिए आपणने गौरव छे आपणे समाजनु क्यारे बुरू न थवा दीधुं बीजा कोई समाज माटे खोटू नथी कर्युं अने एनो आपणने आनंद छे अने एटला माटे एना माटेनो आपणो प्रयास रहेशे तो मने चोक्कस खातरी छे कि आवनारी पेढ़ीओ खूब गौरवभेर सम्मानभेर वधु ने वधु प्रगति करी शकशे आजे हूँ जोऊं छुं कि अहींया अनेक एवा महानुभावो नीचे बैठा छे जे खरेखर अहींया मंच पर बेसवाना हकदार छे अनेक लोको एवा अहींया नीचे बैठा छे
कि जेमणे खरेखर भाषण करवाना हो परंतु अमारा सरकार ना बधा एवा नियमो होय छे सिक्युरिटी ना एवा बधा कारण होय छे कि बधुं अगवड़ो तमने पड़ी हशे कदाच अहीं पहोंचवामां तमने बे कलाक वेला आववुं पड्युं हशे वात वातनी बधी तपास थई हशे आ बधी जे कंई अगवड़ो पड़ी होय कदाच हूँ कोईनुं मान सन्मान न जाळवी शक्यो हो तो समाजनुं संतान छूं मने माफी मांगवानो हक छे। तो दोस्तों देखा आपने कि प्रोटोकॉल तो वाकई में ही उन्होंने तोड़ा है और काफी जबरदस्त तरीके से जो है वो लोगों ने उनका वेलकम किया है और वहां पर वीडियो स्टार्ट होते ही शोर हल्ला गुल्ला मतलब लोगों की एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिल रही थी। लेकिन सबसे मुझे अच्छी और इस वीडियो का जो सबसे अच्छा पार्ट लगा वो जो हार्ट टचिंग था वो था जो कि कर रहे थे उन लोगों उनने मतलब उनको पिक्चर उनकी मदर के साथ जो है वो पिक्चर जब वो आशीर्वाद ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा वायरल वीडियो पिक्चर है और सोशल मीडिया पर तो आई थिंक कि वो शायद उनसे मिलने गए थे उनकी बर्थडे पर बर्थडे पे शायद मिलने गए थे तो उस दौरान जो है उन्होंने उनकी जो है ये पिक्चर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई हुई है और वो पिक्चर जो है वो उनके मतलब चाहने वाले जो है वो लेकर आए। एक तो पिक्चर उनको गिफ्ट कर दी और एक जो है ना सेम टू सेम वही पिक्चर जो है उसके ऊपर उन्होंने ऑटोग्राफ लेकर साथ में अपने लेके गए। तो मतलब एक उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलना उनको अपनी उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपना गिफ्ट दे सकें तो फाइनली उन्होंने गिफ्ट दिया और काफ़ी खुशी का इजहार भी किया तो आई थिंक ये एक अच्छी बात है। अच्छा यहाँ पर हम बात करें तो मोदी जी ने वैसे तो सारी स्पीच गुजराती में दी है तो मुझे तो गुजराती आती नहीं है जो साफ बात है लेकिन ना मैं बहुत गौर से सुनने की कोशिश कर रही थी और कुछ वर्ड्स जो हैं वो मुझे समझ आ रहे थे और कुछ यहाँ से गुजर रहे थे मतलब थोड़ा गुजराती जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत ही समझ आती है बिकॉज मेरे नेबर्स वगैरह और यहाँ पर थोड़ा आसपास के लोग भी हैं जो गुजराती हैं तो उन लोगों से थोड़ी बहुत आती है और मेरी दोस्त भी रेखा है तो उनको भी बहुत अच्छी गुजराती आती है। बाकी ओवरऑल मेरे को जो समझ आया ना इसमें अब आप लोग बताना कमेंट में कि मेरे को सही समझ आया है कि नहीं। तो इसमें मुझे समझ आया वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप लोग मेहनत करो चाहे आप लोग जैसे भी हो अपने अपने जो है वो आप लोग स्किल्स लो मतलब आपके पास स्किल्स होनी चाहिए डिग्री लो ना लो इट्स ऑल अप टू यू बट आपको ये ज़रूरी है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ये एक चीज़ अच्छी बात है इंसान के पास स्किल होनी चाहिए डिग्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए लेकिन पढ़ना लिखना आना चाहिए और साथ में आपके पास स्किल होगी तो आई थिंक कि आप लोग कुछ भी कर लोगे कहीं पर भी थोड़ा मोटा कर ही लोगे और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप अपना बिजनेस भी खड़ा कर लोगे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी उनकी बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा था और जो है वो लोगों को समझा रहे थे उनको मोटिवेट कर रहे थे कि आप लोग आगे बढ़ें आगे आगे निकलें और अपनी मेहनत करें और डिग्रियां मतलब स्किल्स वगैरह पे फोकस करें कुछ सीखें और उससे आगे बढ़ें। तो ये चीज़ों पे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की जो मुझे फील हुआ। बाकी आप लोग ही मुझे बता सकते हैं कौन कौन गुजराती यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट में बताएं तुम्हें गुजराती है नहीं आती मुझे वेल जो है कमेंट में मुझे बताना कि उन्होंने सही कहा था कि नहीं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टिल देन टेक केयर बाय बाय।